नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज की सबसे बड़ी खबर, मायावती का विरोधी दलों पर तंज। बोली, मुसलमानों को टिकट देने से जातिवादी सांप्रदायिक पार्टी की उड़ी नींद। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए सर्वाधिक अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुसलमानों को टिकट देने को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने इसे मुसलमानों के लिए उचित भागीदारी करार दिया है और विरोधी दलों पर तंज कसा और कहा, मुसलमानों को टिकट देने से जातिवादी सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी निकाय चुनाव के अंतर्गत 17 नगर निगमों में मेयर पद के लिए हो रहे चुनाव में बीएसपी द्वारा मुस्लिम समाज को भी उचित भागीदारी देने को लेकर राजनीति काफ़ी गर्माई हुई है। जातिवादी एवं सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। आगे उन्होंने कहा कि बीएसपी सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की नीति व सिद्धांत पर चलने वाली अंबेडकरवादी पार्टी है तथा उसी आधार पर यूपी में 4 बार अपनी सरकार चलाई। मुस्लिम व अन्य समाज को भी हमेशा उचित प्रतिनिधित्व दिया है। उन्होंने जनता से विरोधियों के षड्यंत्र पर ध्यान न देने की अपील की है। बता दें कि बसपा ने महापौर पद की 17 सीटों में से 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। मेयर पद के लिए 64% से अधिक मुसलमान उम्मीदवार उतारने के बसपा के निर्णय से सपा के परंपरागत वोट बैंक में कटौती के कयास लगाए जा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो ने की जनता से षड्यंत्र पर ध्यान न देने की अपील की है। मायावती के ट्वीट ने जातिवादी के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।